बात करते हैं खाने की, क्योंकि खाना जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। तो हम जा रहे हैं जी बंदूक खान और अंदर चलते हैं, एनवायरनमेंट दिखाती हूँ। अच्छा, ये मुल्तान में है, ठीक है जी। इस वक्त और भी जगह ब्रांचेज होंगी, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं जी मुल्तान में। हाँ, पूरे पाकिस्तान में है मुझे बताया जा रहा है, क्योंकि मैं इनकी ब्रांच पर फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि जिस चीज़ का इल्म आपको होता है आप वही बताते हैं ना, और मैं हकीकत पसंद इंसान हूँ। तो टाइम हो गया है इस वक्त 3 से 4 के दरमियान में है, और चले जी मैनेजमेंट देखते हैं, इनका खाना देखते हैं और अंदर जाते हैं। कुछ इस तरह से है, स्टार्ट करते हैं जी हम मेन्यू से, और इनका मेन्यू जो है वो चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। वैसे मैं चिकन जो है वो नहीं खाती हूँ, और सब लोगों को एक ही शिकायत रहती है मुझसे कि भाई ये चिकन नहीं खाती हैं। तो ये है इनका मेन्यू, मेन्यू में कुछ सेलेक्ट करते हैं। और वैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए सारा बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इनके मेन्यू में क्या क्या है। सबसे पहले जी हमने मंगाया है चिकन पाइनएप्पल सैलड, और लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी दुकान होगी उतना ही बड़ा पकवान होगा उनका, कहा जाता है। वैसे तो करते हैं बिस्मिल्लाह, और फर्स्ट बाइट जो है वो मैं ट्राई करने वाली हूँ, लेट्स सी कैसी होगी। से सच कहूँ बहुत टेस्टी है, सीरियसली। जैसे यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है ना, वैसे ही यहाँ पर जो है खाना बहुत अच्छा है। तो ट्राई करते रहेंगे कुछ ना कुछ। वो कहता है आप पहले बोलो, मैं बैठ जाता हूँ। तो भाई पहले इसको खा लेते हैं, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। और इतना टेस्टी था, यकीन करें, खाने से पहले कभी भी किसी चीज़ को इनकार मत किया करें, पहले सामने आ जाए, थोड़ा बहुत टेस्ट कर ले, फिर उसके बाद कुछ सोच लिया करें। लेकिन ये जो चिकन या फिर कुछ चीज़ें ना खाने वाले हजरात को मैं एक मशवरा ज़रूर देना चाहूँगी कि पहले चीज़ को मंगाएं, देखें अगर वो अच्छी है और आप पसंद कर सकते हैं तो आप उसे ज़रूर खाएं। तो भाई इंतज़ार किस बात का, हमारा लजीज खाना जो है हमारे सामने आ गया है, और अभी हम इसको जो है यम 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 करके खाने वाले। खाना कहीं का भी हो, टेस्ट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में है, टेस्ट लेस में बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो भाई ये है इनके मंचूरियन, ये है पटैटो फ्राइड चिप्स, और इस पर ये देख सकते हैं जी किस कदर पटैटो की कोटिंग की गई है, और साथ में जो है ये इसकी यमी यमी सी जो है, जो भी है मुझे तो खाना है। चाउमीन की बात करूं तो यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हम बहुत सारी जगहों पर जो है डिफरेंट डिशेस ट्राई करते हैं, चाउमीन भी काफ़ी जगह का ट्राई किया है, लेकिन यहाँ का ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मसाले जो हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, बहुत लाइट है, और आपको ना फीलिंग ऐसी आती है जैसे जब आप इसको खा रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स वाली, बहुत ही हर चीज़ जो है वो पूरी तरह से रोस्ट की गई है। स्पेशली चिकन जो है, चिकन मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन इसका जो चिकन है ना आला। और अभी मैं फ़िश जो है वो पटैटो फिश जो है इसे ट्राई करने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और खाने के आखिर में कोक ना हो तो मतलब आपने इन्जॉय ही नहीं किया, मैं तो इतना कहूँगी। तो भैया जी ये आ गया है हमारे पास बिल, और बिल हम पे करने वाले हैं कार्ड से। खाना जो है हमने खा लिया है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पुरसकून जगह लाइक करते हैं तो आप ज़रूर आएँ, खाना भी बहुत इंजॉय करेंगे और दिल की तसल्लियाँ भी बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि जब सुकून होता है ना तभी आप अपने दिल की बात जो है अपनों से शेयर कर पाते हैं। तो भाई बहुत ही इंजॉय किया, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। भैया आपकी आईज बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह।